एक गांव जो समंदर किनारे बसा था। आशा अपने पिताजी के साथ उस गांव में रहती थी। आशा की माँ बहुत साल पहले एक बीमारी से मर गई थी। तब से आशा घर संभालती और पिताजी मछली पकड़ने और बेचने का काम संभालते। सुबह से ही पिताजी निकल जाते काम पर और आशा खाना बनाती। जब उसके पिताजी काम से आ जाते तो पकड़ कर लाई हुई मछलियों को बेच देते। इस तरह से आशा भी सीख लेती कि ग्राहक को कैसे संभालना है और लेन देन कैसे करना है। आज का दिन भी वैसा ही था। पिताजी खाना खाने के लिए आए, पर आज जैसे ही उन्होंने खाना खाया पिताजी की तबीयत खराब हो गई। आशा को समझ नहीं आया। उसने एक दिन अपने पिताजी का ख्याल रखा पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आशा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। चिंता मत करो आशा, मैं अभी देख लेता हूँ। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया। बेटा, मैंने चेक कर लिया है, ज्यादा घबराने की बात नहीं, बस इन्हें एक इंजेक्शन लगाना है और आराम करना है, ये ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर, तो आप इन्हें इंजेक्शन लगा दीजिए। बस एक समस्या है। क्या? वो इंजेक्शन 2000 का आता है, क्या तुम्हारे पास अभी इतने पैसे होंगे? आशा उदास हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर से एक दिन का टाइम मांगती है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, लेकिन कल इनका इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। इतने पैसे मैं कैसे लाऊंगी, मुझे तो मछली पकड़ना भी नहीं आता। आशा बाजार जाकर जितनी मछलियाँ होती है बेच के आती है, लेकिन अभी भी पैसे पूरे नहीं होते। नाव चलाना ना आते हुए भी आशा नाव लेके मछली पकड़ने समंदर में चली जाती है। जितना आसान उसने सोचा था उतना था नहीं, लेकिन आशा नाव को पकड़े आगे बढ़ती रहती है। उसे आगे एक छोटा मैदान नजर आता है। वो नाव के साथ थोड़ी देर रुकने के बाद सोचती है। उसे वहां पड़ी एक मछली नजर आती है। ये मछली कुछ अलग तरह की मछली थी जो गांव वाले नहीं लेते थे। ये मछली तो पिताजी की मछली से बहुत अलग है, अब मैं क्या करूं? आशा थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचती है कि किसी तरह मछलियां मिल जाएं। शाम होने लगती है लेकिन मछलियां नहीं मिलती। आशा उदास होकर उसी मछली के साथ घर चली जाती है। आशा उदास होकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है वो मछली पहले से बड़ी हो गई है। आशा ये देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये मछली तो थोड़ी बड़ी हो गई है, ये कैसे हो सकता है, अब मैं क्या करूं इसका? आशा देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत और खराब होती जा रही है। डॉक्टर आते हैं और देखते हैं। आशा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत और खराब होती जा रही है, अगर जल्दी से इंजेक्शन नहीं लगाया तो हालत और खराब हो जाएगी। आशा ये सुनकर और परेशान हो जाती है। वो वही मछली लेकर बाजार बेचने जाती है, इसी उम्मीद से कि कोई तो उसे खरीद लेगा। सब उसे देखकर बहुत ताज्जुब हुए। वो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बाजार में कोई उस मछली को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। किसी भी गांव वाले को ये मछली नहीं चाहिए थी। आशा उसी मछली के साथ वापस घर आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आशा ये आवाज सुनकर रोते हुए रुक जाती है और डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। ये किसकी आवाज आई, यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे अलावा। ये मैंने कहा, जिसे तुम मेरे द्वीप से उठाकर लाई हो। आशा मछली की तरफ हैरानी और डर से देखती है। तुम बोल सकती हो, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, मेरे पिताजी बीमार हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ करोगी तो नहीं ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ाऊं? हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो मुझे गांव वालों के लिए मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? नहीं, मैं खुद एक मछली हूँ तो मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे कुछ पैसे कमाने में मदद कर सकती हूँ। आशा खुश होकर पूछती है। कैसे? मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे कुछ करतब दिखाने भी आते हैं, तो तुम पैसों के बदले गांव वालों को करतब दिखा सकती हो मेरे जरिए। आशा खुश होकर कहती है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम ये अभी कर सकते हैं? हाँ, बस उसके पहले तुम्हें मेरी दो शर्त माननी होगी। वो क्या? तुम्हें मेरी साथी जो उसी द्वीप में है उसे लाना होगा, और तुम्हारा काम हो जाने के बाद हमें वापस वही उसी द्वीप में छोड़ आना होगा। आशा खुशी खुशी हामी भरती है और तुरंत उस मछली के साथ उस द्वीप जाती है जहाँ उसकी साथी होती है, आशा दूसरी जादुई मछली से। क्या आप मेरे साथ करतब दिखाने के लिए मेरे गांव आ सकती हैं? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे पता है मैदान के इंसान सिर्फ हमारा फायदा उठाएंगे। तुम सबको इस जगह और हमारे द्वीप के बारे में बता दोगी, फिर सब इधर आकर इसे भी गंदा कर देंगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं इस द्वीप और जादुई शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और आपको वापस यहाँ लेकर भी आऊंगी। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मुझे जल्द से जल्द पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। पहली मछली ने भी कहा। हाँ, ये सच कह रही है, हम इसके साथ सुरक्षित हैं। ये सब सुनकर दूसरी मछली मान जाती है। वो उन दोनों मछली को लेकर गांव में जाती है और करतब दिखाना शुरू करती है। सब गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। जल्दी ही दूसरे गांव के लोग आकर भी ये देखते हैं। इन सब से आशा की बहुत कमाई हो जाती है। सब खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा आशा खुश होती है। आशा तुरंत डॉक्टर को बोलती है और वो आशा के पिताजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। दो दिन आराम करने दे, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। आशा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब सब ठीक होने के बाद आशा उन दोनों जादुई मछली को उनके द्वीप में छोड़कर आती है।